दोस्तों पेटीएम आईपीओ 9% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के दिन बीएसई पर शेयर 1955 रुपए पर खुला था, जबकि इशू प्राइस 2150 रुपए था। यह करीब 9.07% या 195 रुपए नीचे रहा था। दोस्तों पेटीएम का आईपीओ आने से पहले भी सुर्खियों में रहा था और अब कंपनी लिस्टिंग के बाद भी सुर्खियों में लंबे समय से है। इसकी वजह कोई ज़ोरदार उपलब्धि नहीं है, बल्कि 197 कम्युनिकेशन एलटीटी के नाम से पेटीएम के शेयर के इशू प्राइस से भी नीचे चला जाना है। यहां तक कि फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में भी पेटीएम के आईपीओ को लेकर चर्चा हुई है। दोस्तों फाइनेंस कमेटी ने साइबर सिक्योरिटी पर भी चर्चा की है। इसके अलावा कमेटी ने एनएसई पर चल रही जांच का करंट स्टेटस भी जाना है। इसके अलावा सेबी ने यूनिफाइड सिक्योरिटी कोड पर विचार रखा है, साथ ही आने वाले समय में कैसे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार में काम करेगा इस पर भी चर्चा हुई है। दोस्तों कमेटी जल्द ही अगली मीटिंग मुंबई में करेगी, इस बात पर भी फैसला किया गया है। दोस्तों पेटीएम आईपीओ ने निवेशकों को काफ़ी निराश किया है। निवेशकों की बहुत ज़्यादा कमाई इस शेयर में फंसी है। निवेशक 197 कम्युनिकेशन शेयर्स के मजबूत होने की राह देख रहे हैं। इसके अलावा पेटीएम का आईपीओ 9% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के दिन बीएसई पर शेयर 1955 रुपए पर खुला, जबकि इशू प्राइस 2150 रुपए था। यह करीब 9.07% या 195 रुपए नीचे रहा था। पेटीएम शेयर यानी 197 कम्युनिकेशन एलटीडी स्टॉक का प्राइस 5 अप्रैल 2022 को 609.30 रुपए पर क्लोज हुआ था। दोस्तों आईपीओ को 4.83 करोड़ शेयर्स के मुकाबले 9.14 करोड़ शेयर्स के लिए बिड मिली थी। पेटीएम आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 2080 से लेकर 2150 रुपए तय किया गया था। अपर प्राइस बैंड पर कंपनी की वैल्यू 1.39 लाख करोड़ थी। दोस्तों पेटीएम ने अपने आईपीओ का साइज बढ़ाकर 18,300 करोड़ रुपए किया था। पहले पेटीएम की आईपीओ के जरिए कुल 16,600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। प्राइस इशू के तहत 8,300 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए गए थे और इसमें 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था।